गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी तक हमने लास्ट में डेंसिटी के बारे में पढ़ा था और मुझे उम्मीद है डेंसिटी बहुत ही अच्छे से आपको क्लियर हुआ होगा। और उसके अलावा जो भी हमने क्लासिफिकेशन वगैरह देखा था सारा ही कुछ बहुत ही ज़्यादा इजी था और बहुत ही इजी चैप्टर था। मुझे लगता है कि जितना टाइम इसको दिया गया इतना टाइम डिज़र्व नहीं करता ये। हम बहुत पहले ही ख़त्म कर सकते थे, क्लासरूम होता तो हम और ज़्यादा जल्दी ख़त्म कर सकते थे, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं, आप अपना पूरा टाइम लो क्योंकि एग्ज़ाम भी आ रहा है। बहुत ज़्यादा मैं बर्डन भी नहीं डालना चाहता हूँ आपके ऊपर, ठीक है। लेकिन मुझे भी आपसे यही एक वो है, उम्मीद है कि जो है अगर मैं आपको कम काम दे रहा हूँ दैट मीन्स कि जितना भी काम दे रहा हूँ वो काम बहुत अच्छे से होना चाहिए और सभी के पूरे मार्क्स आने चाहिए, ठीक है। दैट इज़ अ मस्ट कि अगर मान लो 30 मार्क्स का हो रहा है तो किसी का 25 से नीचे तो नहीं आना चाहिए, ठीक है। और वैसे भी क्वेश्चंस जो होंगे वो तो कुछ ऑब्जेक्टिव्स होंगे और कुछ सब्जेक्टिव होंगे, तो दोनों ही बहुत इजी हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव वाले तो और ज़्यादा मार्क्स दिलवा देते हैं। ऑब्जेक्टिव वाले में क्या होता है कि या तो आपको आपका आंसर सही होगा तो पूरे मार्क्स मिल जाएंगे या फिर गलत होगा तो 0 मार्क्स मिल जाएगा। तो सही होने के लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, ढंग से पढ़ना पड़ेगा, छोटी छोटी चीज़ों को भी ध्यान देना पड़ता है, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि ऐसी छोटी सी चीज़ मैंने बोल दी और आपने वो ध्यान नहीं दिया था, ठीक है। जैसे बॉयंट फोर्स को मैंने अप थ्रस्ट बोला हुआ था, तो अगर किसी ने पूछा कि बॉयंट फोर्स इज़ ऑल्सो नोन एज या फिर कॉल्ड एज, तो उसमें चार ऑप्शन होगा, उसमें बीच में कहीं पे अप थ्रस्ट लिखा हुआ होगा। तो अगर आपने ध्यान दिया था आप अप थ्रस्ट पर क्लिक कर दोगे, और अगर आपने ध्यान नहीं दिया होता तो आप कितना भी दिमाग लगा लो वो आप जो है उसका आंसर सही नहीं लगा, तुक्का मार दिया सही निकल गया तो वो बात अलग है, ठीक है। तो इसीलिए ज़रूरी है कि आप चीज़ों को ढंग से पढ़ो, ढंग से ऑब्जर्व करो, क्योंकि क्वेश्चंस कहीं से भी आ सकते हैं, ठीक है। तो लास्ट टॉपिक हम पढ़ रहे हैं ये ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें, हमने जब इंट्रोड्यूस करा मतलब इंट्रोडक्शन पढ़ रहे थे हम, तो उसमें सबसे आखिरी पॉइंट था उसमें ट्रांसपेरेंसी के बारे में बात करी थी। और ट्रांसपेरेंसी इज़ ऑल अबाउट कि लाइट की जो एबिलिटी होती है किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी सब्सटेंस के थ्रू पास करने की एबिलिटी जो होती है उसी को ट्रांसपेरेंसी बोलते हैं। अगर कोई भी लाइट अगर किसी भी तरह के ऑब्जेक्ट के आर पार चला जा रहा है तो दैट मीन्स उसकी आर पार अगर लाइट चला जा रहा है तो उसके आर पार हम देख सकते हैं। उसका एग्जाम्पल हुआ शीशा, ठीक है। अगर एक कांच है उसके आर पार हम देख पा रहे हैं दैट मीन्स कि उसके आर पार लाइट चला जा रहा है, जा पा रहा है, ट्रैवल कर पा रहा है, इस यही रीज़न है कि हम उसके आर पार देख पा रहे हैं। कुछ ऐसे भी चीज़ें होती हैं जिनके आर पार हम थोड़ा सा ढंग से नहीं देख पाते लेकिन हाँ हल्का फुल्का दिखता है, दैट मीन्स कि लाइट उसके आर पार जा तो रहा है लेकिन पूरा का पूरा लाइट आर पार नहीं जा रहा, थोड़ा थोड़ा लाइट ही जा पा रहा है आर पार, तभी हमें धुंधला दिख रहा है, ठीक है। और ऐसे भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनके आर पार लाइट जा ही नहीं पाती है, आर पार लाइट जाएगी नहीं तो कुछ हमें आर पार दिखेगा ही नहीं, तो उसके तो ढेरों एग्जाम्पल हैं। तो आपको करना ये होगा कि इस टॉपिक के एंड के बाद आपको एग्ज़ाम्पल्स ढूंढने होंगे ऐसे 10-10 करके, जो इन ये जो इसको जो हम कैटेगराइज करने वाले हैं उस उन सभी के, ठीक है। तो पढ़ते हैं इसके बारे में। मटेरियल्स कैन बी ग्रुप्ड इनटू 3 मेन कैटेगरीज बेस्ड ऑन देयर एबिलिटी टू ट्रांसमिट लाइट, उनके ट्रांसमिशन ऑफ लाइट ये जो पर्टिकुलर टर्म है इसके बेसिस पे कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसके आर पार ट्रांसमिट लाइट कैसे कर रही है, लाइट का बिहेवियर कैसा हो रहा है, उसके बेसिस पे हम मटेरियल्स को कुछ ग्रुप्स में कैटेगराइज कर सकते हैं। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ट्रांसपेरेंसी इसमें 3 पार्ट्स में कैटेगराइज करा हुआ है। एक तो पहला ट्रांसपेरेंट मटेरियल, सेकेंड वन इज़ ओपेक एंड थर्ड वन इज़ ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स। अब ये तीनों क्या क्या होते हैं इसके बारे में भी आगे जानते हैं। आगे कह रहा है एन ऑब्जेक्ट विच अलाउज विजिबल लाइट टू पास थ्रू इट इज कॉल्ड अ ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। कह रहा है विजिबल लाइट वैसे क्या होता है, लाइट कई तरह के होते हैं, ऐसे भी लाइट होते हैं जो हमें नहीं दिखता, हमारी आँखों को नहीं दिख पाता, ऐसे भी लाइट होते हैं, लेकिन जो जिन लाइट्स को हम देख पाते हैं उनको विजिबल लाइट बोलते हैं। ऐसे भी रेज हैं जिनको हम नहीं देख सकते, जैसे इंफ्रारेड हुआ, गामा रेज हुए, तो ये ऐसे लाइट वेव्स हैं
ऐसे लाइट रेज हैं जिनको हम देख नहीं सकते, ठीक है। इनका इम्पैक्ट होता है, एक्स रेज हुआ, एक्स रेज की वजह से जो है हम ये देख पाते हैं कि हमारा मतलब किस मतलब खास करके मेडिसिनल फील्ड में इसको यूज़ किया जाता है, उससे ये पता चलता है कि किसी की हड्डी टूटी है नहीं टूटी है, वो कन्फर्म करता है, ठीक है। तो जो लाइट वेव्स हैं, लाइट वेव्स की वजह से ही हम चीज़ों को देख पाते हैं, तो इसीलिए इन वेव्स को विजिबल लाइट बोला जाता है, ठीक है। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान देना है कि कहीं भी अगर आप लाइट यूज़ कर रहे हो तो किस तरह का लाइट, इज़ इट अ विजिबल लाइट, विजिबल लाइट टू द ह्यूमंस, और इज़ इट नॉट विजिबल टू द ह्यूमन आइज, ठीक है। तो जो आपका रिमोट होता है उसमें भी ऐसे लाइट होता है जो टीवी के चैनल्स को चेंज करता है, वो लाइट हमें नहीं दिखता। क्यों नहीं दिखता? क्योंकि वो विजिबल रेंज में नहीं है, ठीक है। तो वी कैन क्लियरली सी थ्रू अ ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, इनके एग्जांपल्स, इसके एग्जांपल्स हैं ग्लास एंड फिश टैंक। जो एक्वेरियम होता है या फिश टैंक होता है उसमें क्या होता है कि वो पूरा का पूरा कांच का ग्लास का पूरा एक बॉक्स टाइप का होता है जिसके आर पार हम देख सकते हैं। उसमें हम पानी डाल देते हैं, पानी के साथ में उसमें मछली डाल देते हैं, ठीक है। तो वो बहुत ही सुंदर दिखता है, लेकिन पूरा का पूरा जो कांच का जो वो ग्लास होता है उसको हम पूरा नहीं भरते पानी से, हाफ ही भरे रहते हैं ताकि फ़िश को थोड़ा सा सफिशिएंट जगह मिल सके, ठीक है। तो आगे क्या कह रहा है, एन ऑब्जेक्ट विच अलाउज पार्शियल पैसेज टू लाइट इज कॉल्ड अ ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल प्लास्टिक बॉटल, पेपर कप। और इसमें ये कह रहा है कि ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स ऐसे ऑब्जेक्ट्स को बोला जाता है जिनके आर पार लाइट तो जा रही है लेकिन पूरी तरीके से नहीं जा पा रहा है, ठीक है। तो वही लिखा हुआ पार्शियल पैसेज ऑफ लाइट, विच अलाउज पार्शियल पैसेज ऑफ लाइट, ठीक है। इसका एक सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है कि कागज़ तो वैसे भी अगर हम बात करें कागज़ की तो ट्रांसलूसेंट ही होता है, उसके आर पार थोड़ा बहुत तो हमें दिखता है। और अगर हम कागज़ को और ज़्यादा अच्छा ट्रांसलूसेंट बनाना है तो कागज़ के ऊपर हम ऑयल लगा देते हैं, तो कागज़ जो होता है वो और भी बढ़िया ट्रांसलूसेंट होता है। मतलब ये था, इसका मतलब ये हुआ कि पहले जो कागज़ था उसके आर पार लाइट तो बहुत कम जा रही थी, लेकिन जब हम जैसे हमने ऑयल लगाया उसके आर पार अब लाइट जा रही है लेकिन पहले के कंपेरिजन में ज़्यादा जा रहा है, ठीक है। और वही अगर एक और एग्ज़ाम्पल हम ले सकते हैं, हमारा हाथ, जो हमारी हथेली होती है, कभी भी अंधेरे में जाना और हथेली पे एक साइड से लाइट जलाना, ठीक है, फ़ोन का टॉर्च आप यूज़ कर सकते हो, और दूसरे एंड पे आप देखोगे पूरा लाल लाल सा दिखता है, तो दैट मीन्स कि लाइट उसके आर पार जा पा रहा है तभी हमें वो लाल लाल चीज़ें दिख रही हैं, अदरवाइज़ दिखती नहीं। अगर हम बॉडी के किसी और अगर हम पेट पे मारें और दूसरे साइड से हम देखने की कोशिश करें हमें कुछ नहीं दिखेगा, दैट मीन्स कि हमारे बॉडी का जो पेट वाला पार्ट है वो ट्रांसलूसेंट भी नहीं है, वो ट्रांसपेरेंट तो है ही नहीं, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट आता है फिर इस पे, थर्ड पॉइंट इज़ कि एन ऑब्जेक्ट विच डज़ नॉट अलाउ पैसेज टू लाइट इज़ कॉल्ड एन ओपेक ऑब्जेक्ट। तो अब एक ही कैटेगरी बचती है कि एक ऐसा ऑब्जेक्ट, एक ऐसा कैटेगरी जिसमें लाइट, ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनके आर पार लाइट नहीं जा पा रही है। तो अगर ऑब्जेक्ट्स के आर पार लाइट नहीं जा पा रही है, जिस ऑब्जेक्ट के आर पार लाइट नहीं जा पा रही उन ऑब्जेक्ट्स को ओपेक बोलते हैं, ठीक है। ओपेक आपको याद रखना, स्पेलिंग कन्फ्यूजिंग हो सकता है कई बार क्योंकि प्रोनाउंस कुछ और करते हैं, लिखते कुछ और हैं, तो ऐसे वर्ड्स को तो खास केयरफुली देखना होता है, इनको अच्छे से रटना होता है, ठीक है। वी कैन नॉट सी थ्रू एन ओपेक ऑब्जेक्ट, सीधी सी बात है, ये तो मतलब ऑब्वियस था। इसके एग्जांपल्स हैं वुड एंड मेटल्स। तो ये तो मतलब एक जनरल एग्जांपल हो गया, मेटल्स में भी कई तरह के मेटल्स, मतलब सभी के आप नाम ले सकते हो, ऐसे करके तो आप 10-10 करके सबका एग्जांपल दे सकते हो, है ना। तो आई थिंक दिस इज़ द एंड ऑफ द चैप्टर, और आपको करना ये होगा कि चैप्टर के बाद में साथ में आप जो एक्टिविटीज़ चैप्टर में दी हुई होती हैं उनको भी एक बार पढ़ना होता है, उनको भी एक बार देखना होता है कि क्या उन एक्टिविटीज़ को किया जा सकता है। अगर किया जा सकता है तो आप कर सकते हो, बिल्कुल फ्री हो करने के लिए। लेकिन हाँ, एक चीज़ का ध्यान देना होता है कि ऐसे चैप्टर्स भी आएंगे जिनमें बोला जाता है कि इस एक्टिविटी को किसी के निगरानी में करना होता है, किसी के कोई बड़ा आपके साथ में हो तभी करना होता है, तो वो सारे एक्सपेरिमेंट्स थोड़े से ज़्यादा रिस्की हो सकते हैं, उससे आपको कोई इसी तरह का नुकसान हो सकता है।
तो उससे बचने के लिए आपको क्या करना होता है, थोड़ा सा प्रिकॉशंस लेने होते हैं। तो प्रिकॉशंस के फॉर्म में आप जो है अपने आसपास में कोई बड़ों के साथ में मिल के जो है इस तरह के एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। लेकिन ज़रूरी है कि आप एक्सपेरिमेंट्स करो, ठीक है। और साथ में इस चैप्टर के एंड में जो क्वेश्चंस वगैरह दिए होंगे उनको भी थॉरली देखना है और कोशिश करना कि क्या मैं खुद से उसके आंसर्स अच्छे से लिख पा रहा हूँ नहीं लिख पा रहा हूँ। एक बार कोशिश करोगे, अगर नहीं लिख पा रहे हो तो एक बार आप देख के लिख लो, फिर तीसरी बार जो है वापस से खुद से लिखने की कोशिश करो। तो ऐसे करके ही जो है आपका जो है किसी भी सब्जेक्ट में पकड़ स्ट्रांग होगा, मजबूत होगा, ठीक है। तो चलो फिर आज यहीं पे ख़त्म करते हैं, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। और मुझे लगता है कि नेक्स्ट लेक्चर के बाद आपका वो भी है, एग्ज़ाम भी स्टार्ट हो जाएगा। तो ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम अगर आप चाहो तो रिवीजन भी कर सकते हैं, कोई प्रेशर नहीं है, ठीक है। बस ये है कि आपके मार्क्स अच्छे आने चाहिए। चलो थैंक यू, आप एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्ज़ाम्स।